It is a topic uh, called emotional intelligence. Uh, we talk about emotional intelligence, and suddenly we think of it as a, a science or a discipline that people or philosophers and uh, thinkers and those scholars. study about human स्टडी अबाउटन बिहेवियर एंड जब हम बात करते हैं भावनात्मक uh, हमारी बुद्धिमत्ता के बारे में तो कई बार हम सोचते हैं जो विज्ञानिक लोग बात करते हैं या जो uh, मनोवैज्ञानिक लोग जो बातें करते हैं उससे जुड़ी हुई ये कुछ बातें हैं बट हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट वी आर इमोशनल क्रिएचर्स लेकिन हम में से कितने को पता है कि हम भावनात्मक रीति से रचे गए हैं गॉड हैज क्रिएटेड अस विद इमोशंस परमेश्वर ने हमको भावनाओं के साथ रचा है Amen.

लेकिन ऐसा सोचिए क्या करेंगी वो ज्यादा उस समय में वो जाएंगी अपने कमरे में और रोने एक पुरुष जब भावनात्मक रूप से जब गुजरता है तो वो क्या करता है Men wants to kill. वो चाहते हैं कि वो मार डाले दे विल नॉट सिट अराउंड क्राइंग वो बैठेंगे नहीं रोने के लिए सो टेल मी हु हु इज मोर इमोशनल अ वुमन क्राइज और अ मैन हु वांट्स टू किल तो आप सोचिए कि भावनात्मक कौन है स्त्री है जो बैठकर रोती है या वो पुरुष है जो जाकर मारना चाहता है सो व्हाइल वी मे एक्सप्रेस आवर इमोशंस इन डिफरेंट वेज Let me tell you, we all have emotions. Uh, so, what, what do we mean by emotional intelligence? Emotional intelligence is the ability to regulate and perceive. Uh, भावनात्मक रीति से अपने बुद्धिमत्ता uh, को इस्तेमाल करने का मतलब है कि किस तरह से हम उसको अपनी को करें और किस तरह से हमको उस भावनाओं को समझें एंड ओवर द लास्ट फ्यू डेकेज दिस इमोशनल इंटेलिजेंस है alike. और वैज्ञानिक लोगों ने और कुछ अलग अलग लोगों ने इस पिछले कुछ समयों में इस विषय के बारे में भावनात्मक बुद्धिमता के बारे में बहुत ज्यादा बातें करी हैं। emotions. और ये जो भावनात्मक बुद्धिमता है इसका मतलब यह है कि हम किस तरह से इसको नियंत्रण करें इसको समझें या इसका इसका प्रगटीकरण करें देर इज साइंटिफिक एविडेंस

सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं। But as बड़ा न्यू कॉन्सेप्ट लेकिन अगर हम इसको नए तरह से समझने की दिस होल टॉपिक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस लेकिन जब हम इस शब्द को समझे कि भावनात्मक रीति से अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना ये बहुत ज्यादा फेमस मतलब

मेनी बुक्सम इन द मार्केट इसी कारण से बाजारों में बहुत सी किताबें आ गई है और एंड समिस्कश डिबेट ऑन टेलीविजन शोज और बहुत से इसमें इस विषय के ऊपर वार्तालाप होते बहस होती है बट इंस्पायर दिस इंक्रीज इंटरेस्ट इन दिसाइन शीर्षक के ऊपर लोग रुचि दिखा रहे टॉपिक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस उतना ही ज्यादा भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में कई लोगों ने अपनी आलोचनाएं भी दी है देर इज अ वेल नोन साइकोलॉजिस्ट बाई द नेम Daniel गोल्डमेन डेनियल गोल्डमिन आदमी है जो एक uh, मनोविज्ञानिक उन्होंने ऐसा कहा uh, उन्होंने बहुत सी ज्यादा पढ़ाई करी है अध्ययन के द्वारा उन्होंने ये जानने की कोशिश करी ऐसी कौन सी चीज़ें है जिससे जिस इंसान को सफलता मिलती है स्पेशली हाउ अ पर्सन कैन बी सक्सेसफुल इन करियर इन जॉब और इन द वर्क प्लेस और विशेष करके उन्होंने जो अध्ययन किया वो इसमें किया कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने भविष्य के लिए कार्यो में सफल हो सकता है सो इन कंक्लूशन ऑफ द रिसर्च और इसलिए उनके निष्कर्ष पे जो उन्होंने पढ़ाई करी उसका ये था फाउंड दिल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स और इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस और आईक्यू Uh, उन्होंने ये uh, जानने की कोशिश करी कि ये सिर्फ बुद्धि की बातें हैं जो हम लोग बौद्धिक बौद्धिक ज्ञान के बारे में इंपॉर्टेंट फॉरस इमोशनल इंटेलिजेंस तकनीकी जो गुणता है इंसान के अंदर और साथ ही साथ बौद्धिक जो गुण है इंसान के अंदर उन दोनों के बारे में उस, इस बात की है सो वेन यू है स्किल्स जब आपके पास एक तरफ तकनीकी गुण है एंड यू हैव इमोशनल यू हैव इंटेलैक्चुअल इंटेलिजेंस और जब आपके पास बौद्धिक बुद्धिमता है यू हैव इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास तब भावनात्मक बुद्धिमता है सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेकअप ऑफ अ पर्सन सक्सेस इन वट दे डू इसलिए एक व्यक्ति के जीवन की सफलता के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है सो so,

सिर्फ अपनी ही भावनाओं को नियंत्रण नहीं करके दूसरे जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनकी भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ना उनको समझना office। आप ऐसा सोचिए कि मैं अपने ऑफिस में घर के ऑफिस में my laptop decided to crash on me। और एकदम से मेरा लैपटॉप जो है वो टूट जाता है और मैं बस अपने हाथ सर पर रखकर ऐसे बैठा हूँ बट द रिंग्स और एकदम से दरवाजे की घंटी बजती है एंड वाइफ इज सो आई

And if I say like that, why you came? That neighbor will never come back to my door again. Now he has no idea what has happened to me behind the scene. I just had an emotional breakdown with my laptop crashing in front of me. So instead of me.

हेलो बेबी चैन कैसे हैं आप मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ यू नो देन एट दैट मोमेंट आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड व्हाट वी कॉल इमोशनल इंटेलिजेंस इसका मतलब उस समय मैंने अपनी जो भावनात्मक बुद्धिमता है उसको अपने नियंत्रण में कर लिया सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यही हम आज समझना चाह रहे हैं नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोशन इमोशनल इंटेलिजेंट अब आप सोच रहे होंगे कि भावना में और भावनात्मक बुद्धिमता में क्या अलग अलग भिन्नता है नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशनल जब हम बात करते हैं भावना टॉकिंग अबाउट और डिस्क्राइबिंग अ पर्सन हैविंग

स और यही हम आराधना में जब आते हैं तो भी यही करते हैं हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं We express our feelings to God through our emotions। हम अपनी भावनाओं के द्वारा अपने अंदर जो हम महसूस करते हैं वो परमेश्वर को प्रकट करते हैं And that is emotional। वही भावनाएं कहती है ना इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन साइड और उसी दूसरी तरफ में जो भावनात्मक बुद्धिमता है उसका ये मतलब अवेयरनेस ये ऐसा है की हम जानते हैं कि हम हमारे अंदर भावनाएं हैं एन इमोशनल अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द प्लेस ये ऐसी भावनाएं हैं जिसमें हम जानते हैं कि उस जगह में क्या हो रहा है इफ एवरीबॉडी इज क्राइंग अगर सब लोग रो रहे हैं बट आई स्टार्ट लाफिंग और मैं एकदम से हंसने लगू दैट इज डेफिनेटली नॉट इमोशनल अवेयरनेस शायद वो सच में बिल्कुल भी एक एक जागरूकता नहीं है मुझे भावना God, अगर सब परमेश्वर की कर रहे हैं sky, और मैं बस ऐसे ही बैठ के आसमानों की तरफ देखने लग इज नॉट इमोशनल अवेयरनेस ये आ, एक जागरूकता नहीं है मेरी भावना worshiping? सब लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं हाथ उठा के

Uh, हम उन परेशानियों को किस तरह से नियंत्रण कर ले वो उसको कहा जाता है सी सिचुएशन हम एक परिस्थिति को देखते हैं एंड सडनली यू रिस्पॉन्ड विध प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन

भावनाओं के प्रति जागरूक है और आप तुरंत ही प्रति उत्तर देते हैं और आप किसी निर्णय के साथ किसी उत्तर के साथ उस परेशानी के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो भावनात्मक बुद्धिमता है ऐसी योग्यता है इंसान के अंदर क्षमता है इंसान के अंदर की वो किसी तरह से उसका नियंत्रण करें भावनाओं को खुशी से उस भावना को व्यक्त करें और काम डाउन योर इमोशन या वो बहुत ही आराम से उसको जो है उस भावना को नियंत्रण कर लेर यू कैन हेल्प योर सेल्फ टू चेयर अप आप या तो अपनी खुद मदद करें कि आप एकदम से खुश हो जाए हेल्प योर सेल्फाउन या आप खुद की मदद करें कि आप एकदम से शांत हो जाए और यू कैन मोट Motivate others to cheer up, or uh, others to come down. And these are the difference between emotion being emotional. And having emotional intelligence. Today we're going to look at uh, uh, the scripture, uh, Paul's epistles to the Romans. की की and, and how he talks about emotions being used for the purpose of, uh, uh, of loving God, following God and being part of the God's purposes on this earth.

यहाँ पर एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही सामर्थी एक एक बात है जो हमको सुन, सुनने को मिलती है। Paul says rejoice with those who rejoice। Paul उस कहता है आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। Weep with those who weep। रोने वालों के साथ रो। Live in harmony with one another। आपस में एक सा प्रेम रखो। Do not be haughty। अभिमानी ना हो। But associate with lowly। परंतु दीनों के साथ संगति रखो नेवर बी साइट अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना रहो। बट हियर इन पदों में पंद्रह और सोलह में आई थिंक is is to to an emotional level। लेकिन यहाँ पर जब पॉलूस ये बता रहा है तो शायद पोलूस ये कहना चाह रहा है कि हम लोग एक दूसरे से कैसे अपने आप को जोड़े भावनात्मक रूप से इट्स अ प्रैक्टिकल रिलेशनल लेवल विद इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट

So so, and and so he identified three verses: empathy, unity, and humility। प्रयोग किया है उन्होंने कहा है एक तो सहानुभूति दिखाना एकता दिखाना और मानवता दिखाना Sundays, we're going to unpack each of these emotional इंटेलिजेंस इसलिए आने वाले रविवारों में हम एक -एक, एक एक करके इन सब के बारे में ध्यान करें टूडे विगोलू Pick empathy as our focus. और आज हम empathy के बारे में पढ़ेंगे जिसका शब्द का मतलब है And verse 15 it says, और, और रोने वालों के साथ रो आई बिलीव ऑफ ऑल दीपल इन दर्ल्ड पूरे इस संसार में दुनिया में लोगों के बारे में अगर मैं विश्वास करता हूँ अगर सोचा जाए तो god's पीपल must be masters of empathy जो परमेश्वर के लोग हैं उनको गुड़ी होना चाहिए इस शब्द के ऊपर सानुभूति। पॉल इज गिविंग अ कमैंडमेंट हियर इट इज नॉट जस्ट अ सजेशन बट इट इज अ कमैंडमेंट That is imperative. That must be obeyed by every child of God. यहाँ पर पॉलूस कोई सलाह नहीं दे रहा है, लेकिन वो आज्ञा दे रहा है कि मानना ही है कि हमको कैसे व्यवहार करना He है. He says to submit Ourselves to each other in our even in our emotions. Do you know when is the moment we really connect with other people? When we have at the highest of our experience, or when we are at the lowest of our experience.

नीचे बिल्कुल ऐसे गहरे समय में जब वो गुजरता है हम उसके साथ अपना मेल आपके मेल जोल कर सकते हैं। एक uh, एक पुराना शब्द 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 का इसी शब्द का इसी दूसरा इस्तेमाल हुआ है उसका शब्द का मतलब है हमदर्दी सिंपथी इसलिए सानुभूति शब्द और हमदर्दी शब्द में अलग अलग भिन्नता है इन आवर कॉन्टेस टूडे फ्रॉम व्हाट जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं यहाँ पर सानुभूति और हमदर्दी दोनों शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं एम्पथी मीन्सिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर दर्स जो सहानुभूति शब्द है वो कहने का मतलब ये है कि हम दूसरे की भावनाओं को समझते हैं एंड टू एम्पथाइज

चैप्टर इलेवन और हम पाते हैं कि यमुना की सुसमाचार में ग्यारहवे पद में यीशु बहुत अच्छे से अपनी भावनाओं को जोड़ रहे हैं John chapter इलेवन verses थर्टी थ्री to थर्टी फाइव uh,

ये काल्पनिक वैज्ञानिक ऐसी कोई चीजें हैं जो हम पाते हैं कि चित्रहार में देखने को मिलता है उसके बारे में हम इसका नाम है स्टार ट्रैक सो इन स्टार्ट ट्रैक वुड समटाइम्स माइंड मेल्ड विद अदर पीपल तो इसमें हम पाते हैं कि दिमाग कैसे दूसरे दिमा, दिमाग के साथ जुड़ जाता है फेस ऑफ जैसी वो उस व्यक्ति का गाल की तरफ उसके चेहरे को छूता है तुरंत ही उसके अंदर की जो भावनाएं है जो कुछ भी उस व्यक्ति के अंदर है वो उसके अंदर अजीब सी बात नहीं है सुनने की सोची कितना जीप सी बात है बड़ी विचित्र सी बात है की आप किसी को छुए और उसके अंदर की सब चीजें आपके अंदर नाउट वूवी स्पोक यू शु तो यही जो थी ये फिल्म जो है स्टार ट्रेक इसी के बारे में बताती Now, है लेकिन पॉलुस यहाँ क्या कहना चाह रहा है हमको दूसरे व्यक्ति के अनुभव में अपने आप को दाल देना है आनंद करना है उन लोगों के साथ जो आनंद कर रहे हैं

इसलिए अगर कोई एक अंग दुखी होता है तो ऑल सफर टूगेदर तो सारे अंग दुखी होते हैं इफ वन मेंबर इज ऑनर्ड अगर एक अंग को बढ़ाई मिलती है तो ऑल रिजॉइस टूगेदर सब लोग सारे अंग आनंदित होते so हैं सो व्हाट पॉल इज कॉलिंग अस टू डू हियर इज टू सिंपली वर्क आउट इन प्रैक्टिस इसलिए पॉलस यहां क्या कहना चाह रहा है कि हमको प्रया, प्रयास करना है प्रयत्न करना है

जोइस विथ एनवी और बिटरनेस उन्होंने ये कहा है कि जो एक सच्चा प्रेम होता है वो कभी भी एक विश्वासी के खुशी का प्रतिउत्तर जलन में नहीं देगा बट विल एंटर होल हार्टेडली वो अपने पूरे हृदय से उनकी खुशी के अंदर घुस जाएगा सिमिलरली उसी तरह से लव दैट इज जेन्युन विल ब्रुइंग एस टू आइडेंटिफाई शो इंटीमेटली विद आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट

Joy? जब इसका विपरीत क्या हो सकता है कि जब हम दूसरे लोगों की खुशी में खुशी में बनाते हैं तो envy. Uh, जलन ओपोजिट ऑफ दैट काइंड ऑफ एनिमोशन इज एन वी और ऐसी प्रकार की भावना रखने को हम कहते हैं जलन रखना एनवी इज वन ऑफ द क्लासिक सेवन डी सेंस और बहुत ही घातक सात पापों में से एक पाप है जलन रखना uh, a by the name Aquinas, जो Bible के एक जो विज्ञानिक हुए uh, उन्होंने व्याख्या दी है भावना के बारे में कि हम लोग दुखी होते हैं दूसरे की भलाइयों में सो वेनबड़ी सैड तो जब कोई लोग खुश हो रहे हैं आनंदित हो रहे हैं तो हम दुखी हो रहे हैं ये जलन रखना है As the opposite of rejoicing when somebody else is rejoicing. ये उल्टा है जब दूसरे लोग खुश हो रहे हैं तो हम लोग दुखी हो रहे हैं. So envy is when somebody else is rejoicing. Instead of rejoicing with them, you feel sad that you don't have that blessing. तो जलन रखने का मतलब ये है कि जब दूसरे लोग खुश हो रहे हैं तो आप लोग दुखी हो रहे हैं.

envy is when we go to somebody else's house and we just scan through what they have in the house what brand of television they have what brand of microwave they have what brand of fridge they have and then you come home and start start whining to your husband i need lg fridge i need this microwave i need this because दे हाव इन देर हाउस और आप दूसरे के किसी के घर में जाते हैं आपने बहुत ध्यान से उनकी चीजें देख लिया उसके बाद आपको जो चीजें अच्छी लगी आप घर आते हैं और कहते हैं कि मुझको भी ये चीज चाहिए जो उसके पास है इफ यू गो री मेरी प्लेस इन दर्ल्ड इन दर्च इवन ऑन संडे मॉर्निंग आप अगर आप दूसरे जगहों में जाएंगे और कलिसियाओं में देखेंगे इस रविवार की सुबह तो कार पार्क इज अ प्लेस वेर लॉर्ड ऑफ एन बी है जो गाड़िया जहाँ पे खड़ी होती हैं वहाँ पर ज्यादातर लोग जलन करते हैं बिकॉज हु इज ड्राइविंग वट काइंड ऑफ कार कौन सा व्यक्ति कौन सी कार चला रहा है इस चीज की जलन है हु गॉट द बिगर कार किसके पास सबसे बड़ी कार है oh, so

क्यों ये उसके पास है और मेरे पास नहीं दीफ पर envious पर्सन शायद ये सबसे मुख्य और शायद यही एक वजह है एक इंसान के चलन कैसे उनको वो घर मिल गया Why did they get that vacation? वो कैसे छुट्टियों पे चले गए गेट दैट जॉब वो कैसे उनको नौकरी मिल गई डिड he गेट दैट वाइफ और दैट husband? वो पति या वो पत्नी उनको कैसे मिल गए क्यों नहीं मैं वॉट द एनवियस पर्सन वही एक ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति कहता है। है जो प्रेरित वो ये ऐसा मत बनो. Don't be envious. जलन मत बनो। जलन रखो। Instead, when others are blessed, इसके विपरीत जब दूसरे लोग आशीष पाते rejoice हैं। विद जोइ आनंदित हो उनके साथ जोइ आनंदित हो उन लोगों के साथ जो आनंदित इन द अदर्स दूसरों की आशीषो में उनकी आनंद में सहभागी होना। है। Be glad for them उन लोगों के साथ खुशी मनाए that they have the blessing की पर उनके पास पास हैं। Even if you yourself don't have it, अगर आपके पास नहीं है भी तो। जॉन कैलविन अपनी टीका में ऐसा कहते हैं नॉट टू वेलकम ब्रदर्स जब भी हम किसी भाई के आनंद या खुशी में किसी Uh, भाई के आनंद या खुशी में हम उसके साथ सहभागी नहीं होते ये जलन है एंड नॉट टू ग्रीव एट हिज मिस फॉर्चून इज इन ह्यूमैनिटी और अगर उसका कोई दुर्भाग्य से उसके साथ कुछ हो जाता है और उसमें हम दुखी नहीं होते It, तो वो बहुत ही ज्यादा uh, अमानवता है ही सेज इट्स इन ह्यूमन इफ यू यू आर एज गुड एज एन एनिमल हम हम अगर सहभागी नहीं हो रहे उनके साथ इसका मतलब हम एक जानवर समान है Here is a simple illustration that will help. Think, Think of any kind of tragic accident that you may have witnessed. Imagine you are driving on Noodle He mirror.

Uh, सारा जमघट लग गया है गाड़ियों को और अब बहुत घंटे तक के लिए आगे हम बढ़ नहीं सकते सो इफ यू आर ऑन यूटर साइड वट इज योर वरि आप अगर दूसरी तरफ है तो आपकी क्या चिंता है आर यू गोइंग टू थिंक अबाउट द द लॉस ऑफ कार्ड आपके ये सोचेंगे कि इन गाड़ियों को नुकसान हो गया आई गोइंग गोइंग टू टू बी पुलिंग योर हेयर हु इज पे फॉर ऑल ऑफ दिस होगी अपने बाल खींचेंगे वहां बैठकर कि कौन इसके लिए भरपाई करेगा नो no. नहीं वी विल बी थिंकिंग अबाउट हाउ कैन आई कॉल द एंबुलेंस हमको ये बैठ के वहां सोचना है कि हम कैसे एंबुलेंस को बुलाएं यू विल बी टॉकिंग अबाउट

सफरिंग एंड दॉस ऑफ लाइफ आप ये सोचेंगे की कैसे उन लोगों की दुख का या जो लोगों ने अपना जीवन खोया है उससे हम उनको बाहर निकालेंजेस्ट यू मैं आपको ये एक सलाह देना चाहता हूँ इनसिस जब भी एक घटना या संकट होता है किसी के जीवन में तो पहला प्रत्युतर होता है कि हम सहानुभूति दिखाए हम तसल्ली तसली पीपल ऑफ गॉड परमेश्वर के लोगों के होते होने नाते When we see pain, जब हम दुख देखते हैं जब हम दुर्घटनाएं है देखते हैं हमा, हमारा दिल जो है वो तरस से भर जाना चाहिए many कई बार हम सही होना चाहते हैं और हम इतने सही होते हैं कि हम दूसरे के लिए बोलते हैं इसकी गलती के कारण हुआ है wrong, ये इसके कारण हुआ है इसलिए इसको पीड़ा उठाने दो नाउ यू राइट शायद आप सही होंगे बट यूर राइट इज नॉट गोइंग टू बी द सोल्यूशन लेकिन आपका सही जो है वो दूसरे के लिए कोई uh, समाधान नहीं निकाल के लाएगा लैपटॉप जब मैं अपने के टूटने से गुस्सा था यस आई एम राइट टू बी एंग्री हाँ ठीक है मुझे गुस्सा आएगा उस समय बट माई राइट इज नॉट द नॉटलूशन डोरबल रैंग लेकिन जो सही मैं महसूस कर रहा हूँ वो उसका अदरवाइज दैट आई एम राइट विद स्टेटमेंट आई नीड टू थिंक इज my राइटनेस going टू विन पीपल और my empathy going टू विन पीपल जब भी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, मुझे क्रोध आता है तो क्या उस समय मेरा प्रत्युत्तर क्रोध में होना चाहिए या मुझे उन लोगों के लिए तरस आना योर राइटनेस विल लूज पीपल आपका जो सही होना है वो लोगों को आप खो देंगे बट योर एम्पति विल विन पीपल लेकिन आपकी सहानुभूति के कारण आप लोगों को जीत लेंगे एंड थ्रू योर एंड योर योर कंपैशन योर सिंपैथी यू आर एबल टू करेक्ट देम इनटू द राइटनेस दैट यू हैव लेकिन आपकी सहानुभूति के कारण हमदर्दी के कारण लोगों के प्रति आप लोगों को ठीक कर सकते हैं आर

has birth defects. और ऐसे भी समय से मैं रहा हूं जहां पर एक पति पत्नी ने ये देखा कि उनका बच्चा जो गर्भ में है उसके पास उसके ऊपर कोई परेशानियां हैं बच्चे के। What should be our response? हमारा प्रतिउत्तर क्या होना चाहिए It is not to theologize the circumstances. हम उसको अपने धर्, धर्म शास्त्र से उन चीजों को हम बात नहीं कर सकते My right theology is not the solution there. मे मेरी सही धर्म विज्ञान मेरी वहाँ पर सॉल्यूशन Uh, उसका प्रति नहीं है इट इज नॉट इवन मी टेलिंग ओ लिसन

Wrote uh, Paul, uh, कई लोग कहते हैं कि Paul उसने ये पत्री लिखी है लेकिन लेकिन हमें नहीं पता किसने लिखी है, लेकिन है। भाषा बहुत ज़्यादा कैदियों की ऐसी सुधी लो, कि मानो उनके साथ तुम भी कैदी हो एंड जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है बॉडी उनकी भी यही समझ कर सुधी एप्लीकेशन यही चीज हमको भी करना है रिमेम्बर द पीपल ऑफ गॉड हु आर इन प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द गॉस्प उन मसीह की देह के कारण में जो लोग जो सुसमाचार के कारण सताए जाते हैं Imagine you are also in the prison with them. उनके बारे में सोच कर ये सोचें कि हम भी उनके साथ कैद खाने में हैं. According to the Ministry of Open Doors, an organisation एक ओपन डोर करके एक संस्था है उनकी सेवकाइयों के द्वारा। 4,761 च्रिस्टियन्स वर पुट टू डेथ लास्ट ईयर फॉर देयर फेथ चार हजार सात सौ छः के करीब मसीही लोग पिछले साल अपने विश्वास के कारण लोगों ने जीवन खो दिया। 4,761 पीपल वर किल्ड बिकॉज़ दे बिलीव्ड इन जीसस चार हजार सात सौ तेर अपना यीशु पे विश्वास रखने के कारण अपना जीवन खो दिया Persecution is on the rise. जो इस समय विरोध है वो बहुत ज्यादा उठ रहा है इंडिया एज अ नेशन इज ऑन द टॉप दाइव लिस्ट ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड नेशन इन द वर्ल्ड और पांच ऐसे देशों में हमारा भारत सबसे ज्यादा सताव के कारण ऊपर उठ रहा है ए स्टैगरिंग मिलियन आर इन द टॉप फिफ्टी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वॉच लिस्ट from open doors and face high level of persecution 260 million people face high level of persecution 260 <laughs> million last year the previous year it was 245 million. लोग थे जिन्होंने सताव झेला था नाउ टू हंड्रेड एंड मिलियन और अब जो है दो सौ साठ मिलियन लोग हो गए ग्रोइंग so, इसलिए जो इसकी गंभीरता है वो बढ़ती जा रही है सताव की फोर्टी फाइव कंट्रीज इन द वर्ल्ड दिस बुक इज टू द फोर्टी फाइव ऐसी ऐसे देश हैं जहाँ पर हमारी बाइबल की घृणा की जाती है and out of that eight countries faces extreme level of face or once i show me art as a dayshen just sapsin zada how many of you have a heart for the persecuted body of Christ. Do you pray for those pastors? How many of you even bothered to watch the video of the pastor whose skull was stabbed with an iron rod and his skull was open and he was praising God with his blood gushing out of his skull? In Bhopal last week, a couple of weeks ago. आप में से कितने लोगों ने इतना तक ध्यान दिया कि आपने वो वीडियो देखी हो जिसमें एक का, एक एक का का सर सर पे डंडा मारने के कारण उनका सर फट गया और बहुत ज़्यादा खून बह रहा आप में से कितने लोगों ने उनके लिए प्रार्थना कितने लोगों ने सोचने की कोशिश करी की क्या वो जिंदा है मैं सोचता हूँ क्या हुआ होगा उसको

of God's people in Ukraine. लोगों का दुख देकर लोगों की पीड़ा देकर जो यूक्रेन में हो रहा है Now, this very moment, इस समय भी इस क्षण में भी होम्स घर सिक्योरिटी उनकी सुरक्षा स्मॉल बेबी छोटे छोटे बच्चे woman, जो गर्भवती महिलाएं हैं God's heart breaks. परमेश्वर का दिल हृदय टूटता है और हमारा हृदय भी टूटना फॉर हमारा हृदय उन विषयों के लिए टूटना है जिसके लिए परमेश्वर का टूटता है क्या हमारे हृदयों में लोगों के प्रति जो यूक्रेन में उनके प्रति सहानुभूति है हार्ट मूव विद एम्पति फॉर द पीपल इन रशिया हुआ of a law that says you cannot protest. they were willing to be beaten up they were willing to be taken to the prison to say no to war friends life is much more bigger than having fun

और किसी तरह से हम अपने दिमाग को बंद कर देते हैं उन वास्तविकताओं से जो हमारे आसपास चलती हैं। Have you ever thought why Paul said this? आपने कभी ऐसा सोचा है पॉल उसने ऐसा क्यों कहा? It is when we engage at this level that we are moved with the compassion of Jesus to do something about it. Least pray for it. और अगर हम किन्हीं चीजों के कारण अपने आप के अंदर ऐसी चीज महसूस नहीं करते हमें आगे बढ़ना है हो सके तो हम प्रार्थना करें माई डियर फ्रेंड्स मेरे प्रिय मित्रों

mercy of God. जिन्होंने परमेश्वर की दया को स्वीकार किया है. We should reflect that God's empathy and our compassion to others. हमको भी हमारे हम हमारे अंदर की जो सानुभूति है तसल्ली लोगों को दिखानी है As I close today, और जब मैं यहाँ बंद करता हूँ आज there is an old hymn, बहुत ही एक पुराना गीत है very old, बहुत ही पुराना बट वेरी पॉपुलर इन दर्ल्डन चर्च पुराने, पुराने कलीसियों में ये गीत बहुत ही मशहूर था इट्स कॉल्ड ब्लस बी

जब अपना संदेश तैयार कर रहा तो मैं बहुत भावुक हो गया था हम अपनी प्रार्थनाओं को uh, उडेलते हैं और फिर हमारा डर और होप हमारी आशा और एम्स और वन हमारा मकसद एक ही है और कम्फर्ट एंड आवर खेर हमारी तसल्ली और हमारी, हमारी चिंता वी शेयर आवर म्यूचुअल वोल्स और हम हम एक दूसरे के साथ उस चीज को बांटते हैं Our we bear, हम एक दूसरे के बोझ को एक साथ सहते हैं and often for each other flows. और एक दूसरे के साथ बहते हैं The tear. जो सहानुभूति वाले आंसू हैं।